राजकोट लोकसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों का अपमान किया है, जिसके बाद पिछले एक सप्ताह से क्षत्रिय राजपूत समाज ने पुरुषोत्तम रूपाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले पार्टी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिए जाने से गुजरात महिला करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने राजकोट के आशापुरा माताजी के मंदिर में शीश झुकाने के बाद अन्न त्याग का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला की माफी उनके लिए काफी नहीं है, उनकी टिकट जब तक रद्द नहीं होगी तब तक अन्न का त्याग यथावत रहेगा। मैं निर्णय लीधो छे के ज्यां सुधी रूपाला भाई नी टिकट रद्द करवामां नहीं आवे तो आजथी हूँ अन्नो त्याग करू छू अने एवी आशा राखू छू अने आनी पछी हूँ मोटो निर्णय लेवानी छू तो आजथी हूँ अन्नो त्याग करू छू। ना हूँ एक ज अत्यारे त्याग करू छू, आगामी સમયમાં આવે હવે જેવું આગળ અમે જોશું કે શું થાય છે શું નહીં, પણ હવે હું વ્યવસ્થિત આ લોકોને જવાબ આપીશ। જી હા, બસ ઈ હવે એ તો ભાઈ સૌ સૌના રોટલા શેકે, મને તો આમાં કાંઈ ખ્યાલ નથી આવતો બરાબર। જો આમંત્રણ એમ કે છે કે 92 સંસ્થા, તો અત્યારે જે ગામડા ગામડામાંથી તાલુકા વાઇઝ જિલ્લા વાઇઝ બધા એ અને દરેક આજનો રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજનો દરેક એક વ્યક્તિ અને દરેક એક ક્ષત્રાણી લડે છે, તો આ બધા વચ્ચે મીટિંગ થવી જોઈએ, કોઈ 8 વ્યક્તિઓ વચ્ચે અને કોઈ 50 વ્યક્તિઓ વચ્ચે, તો એવું કંઈ હોવું જ ન જોઈએ બરાબર છે। અને સમાધાનનો તો એક નિર્ણય જ નથી લેવાનો, સમાધાન તો જોતું જ નથી, અમારે બસ એક જ આખા રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજની એક જ માંગ છે અને હંમેશા એ જ રહેશે કે રૂપાલાભાઈની ટિકિટ રદ થાય। एक और महिला मोर्चा रूपाला के खिलाफ आंदोलन चला रहा है, वहीं राजकोट के 350 से ज्यादा युवा क्षत्रियों ने वार्ड नंबर 18 में आशापुरा मंदिर के बाहर एकत्रित होकर पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं होती है तब तक विरोध की बात कही है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 100% मतदान करने की शपथ भी इस मौके पर ली है। पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज पर किए गए आपत्तिजनक बयान के बाद मामला दिन ब दिन बिगड़ रहा है। इसी के तहत अलग अलग शहर जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दो जिले के 4 तालुका में क्षत्रिय समाज ने विरोध करने के साथ अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके तहत धंधुका में शॉर्ट नोटिस पर 500 से ज्यादा युवाओं और अग्रणियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले क्षत्रिय समाज के महासम्मेलन पर चर्चा हो गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं युवा और अग्रणी एकत्रित होकर रूपाला का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। इसी के तहत धंधुका राजपूत समाज बोर्डिंग पर एकत्रित होकर महासम्मेलन में शामिल होने की रणनीति तय की गई। चुड़ासमा राजपूत समाज धंधुका खाते आज जो बैठक मिली थी, ये बैठक नी अंदर जे पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा क्षत्रिय समाज की नारी विषे जे अभद्र टिप्पणी करवामां आवेली हती तेनो घेरो प्रत्याघात आक्रोश भारोभार अत्यारे तमाम क्षत्रिय समाज में चाली रह्यो छे। ते बाबते शू कार्यवाही करवी तेना माटे थईने आगामी समय में शू शू पगला लेवा के आनो विरोध केवी रीतना दर्शावो ते बाबते 7/4/2024 रोज एक महासम्मेलन करवानुं अत्यारे समाजनी अंदर जे हालनी आजनी तारीख में मीटिंग भराणी तेमां नक्की करवामां आवेलुं छे। आ बैठक पुरुषोत्तम रूपालाजीए जे क्षत्रिय समाज ने नारी विषे जे टिप्पणी करवामां आवी हती एना उग्र विरोध माटेनी बैठक बोलावामां आवी हती। आ बैठक में धंधुका तालुकाना राणपुर बरवाला अने धोलेरा 4 तालुकाना युवानो अने वडीलो जोड़ाणा हता। આજે બેઠકમાં એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે અમે 7/4/2024 અને રવિવારે એક મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે।